नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं पकौड़े वाली कढ़ी बनाने। देखिए, हमने एक कप बेसन ले लिया है। अब इसे हम इसमें डाल के फिर थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे घोल बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ज्यादा पानी नहीं, ताकि इसका घोल अच्छे से बन जाए। देखिए, इसमें हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अगर एक साथ पानी डालेंगे तो अच्छे से नहीं फिट पाएंगे। इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा से इसे इसका घोल बनाएंगे। देखिए दोस्तों, हमने घोल को बना लिया। इसमें हम थोड़ा सा हल्का सा इसमें हल्दी डालेंगे ताकि कलर इसका अच्छा हो जाए। अब इसे खूब अच्छी तरह से ही फेंटना है, इसे भी मिक्स अच्छे से हो जाना चाहिए। देखिए, इसे हमने अच्छे से फेंट दिया है, ना ज़्यादा जाड़ा है ना ज़्यादा पतला है। अब इसे हम 10 से 5 मिनट के लिए इसे ढक के रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ दही ले रखी है, एक कटोरी हमारी दही है। इसे हम मिक्सर की जार में इस तरह डाल लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा खट्टा नहीं है, इसके लिए हम इसे थोड़ा ज़्यादा लेंगे। अब इसमें हम इतना बेसन मिला लेंगे, थोड़ा मिक्सर में घुमा देंगे तो एकदम अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने बेसन को और दही को एक अच्छे से मिक्स कर लिया है। घोल बनाने के लिए अब ये तैयार है। ये देखिए, हमारा घोल कितने अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसे हम चल रहे हैं कढ़ाई में डालने के लिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हमने गर्म करने के लिए रख दिए थे। अब इसमें हम इस तरह चम्मच से डालेंगे। ऐसा नहीं है कि आप हाथ से नहीं डाल सकते हैं, हाथ से भी डाल सकते हैं। देखिए, थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह चम्मच से डाल देंगे। देखिए दोस्तों, इसमें किसे छोटे छोटे एकदम होल हो गए हैं, एक तरफ से एक रहा है। ज़्यादा खास आँच में नहीं करना है, हल्का स्लो आँच रखना है। देखिए, अब ये जो इसके होल हैं इसे पलटेंगे, इस तरह हम पलट देंगे। देखिए, और ये जो होल है ना, इसमें जब हम कढ़ी में डालेंगे इसमें सारा कढ़ी भर लेगा, एकदम सॉफ्ट और नरम हो जाएगा। इस तरह हम इसे सारी पलट लेंगे पकौड़े को। देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है। इसे हम धीरे धीरे इस तरह पलट लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा पकौड़ा बनके तैयार हो गया। अब इसे हम थाली में निकाल ले रहे हैं। इस तरह हम पकौड़े को निकाल रहे हैं। बाकी बचे हुए बैटर को फिर हम वापस ऐसे ही डाल दे रहे हैं, हम फिर डाल देंगे। देखिए दोस्तों, हमने कढ़ाई को रख दिया है तेल गर्म होने के लिए। अब इसमें हम डाल देंगे इतना मेथी। मेथी लाल होने तक, चटकने तक इसे हम छोड़ दे रहे हैं। अब यहाँ हमने लिया है 2 से 3 कलियां लहसुन के और थोड़े से अदरक के टुकड़े। अब इसमें भी हम इसे डाल देंगे, ऐसे ही अच्छे से लाल होने देंगे। देखिए, हमारा लहसुन हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च ज्यादा नहीं होने देंगे, ऐसा हुआ हम डाल देंगे कड़ी पत्ते। अब ये हो गया है। देखिए, हमने जो कड़ी को ग्राइंड किया था अब उसमें हम डाल देंगे दही को, इसे चला लेंगे। देखिए, हमने दही को डाल दिया, हम इसमें पानी डाल देंगे। हम आप अपने हिसाब से पतला या जाड़ा ले रख सकते हैं। अब जिस कप से बेसन को लिया था उसी कप से आप पानी भी डाल सकते हैं। उसमें हम देख रही हैं कितना हम डाल रहे हैं। ये हमारा इतना कढ़ी बनाना। देखिए, हमने इसमें डाल दिए सब। अब इसे उबलने तक इसे ऐसे ही चलाते रहें। दोस्तों, अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर।
इसमें हम थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे कलर आने के लिए। देखिए इस तरह हम कढ़ी को चलाते रहें, जब तक कढ़ी उबलने न लगे तब तक इसे हम अच्छी तरह से चलाते रहें ताकि कढ़ी फटने न पाए, नहीं तो बहुत से ऐसे नहीं चलाएंगे तो दही फट जाती है। देखिए दोस्तों हमारी कढ़ी में उबाल आने लगा है और इसमें हम जो बनाए थे पकौड़े को वो इसमें हम डाल देंगे। और इसे हम अच्छी तरह ऐसे चलाते रहें ताकि पकौड़े में जो है रस भर ले इस तरह। दोस्तों आप कभी भी नमक डालो, जब ये आपका कढ़ी उबलने लगे तभी नमक डालना चाहिए क्योंकि कढ़ी फट जाएगी। अभी इसमें हम डाल लेंगे नमक। देखिए हमारी कढ़ी तैयार हो गई है। देखिए हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे इसमें। इसमें हमने नमक को डाल दिया। अब इसे थोड़ा देर तक ऐसे ही चलाते रहें ताकि आपकी कढ़ी जब तक हमारी कढ़ी तैयार ना हो जाए। देखिए पकौड़े कितने नरम नरम हैं और फूले फूले। आपको जिस तरह चाहिए पानी, जितना आपको गाढ़ा चलेगा गाढ़ा करिए, पतला रहिए तो। दोस्तों अगर आपको गाढ़ा चाहिए तो आप गाढ़ा कर सकते हैं, पतला चाहिए तो पतला कर सकते हैं। देखिए आप कढ़ी इसी तरह बनाइए जैसे हमने बनाया है। इसे थोड़ा उबलने के लिए छोड़ दे रहे हैं ताकि अच्छे से पक जाए और कढ़ी में फुलौरी जो ये। अब इसे हम दो मिनट के लिए ऐसे ही चलाएंगे ताकि पकौड़ी में सारा कढ़ी भर जाए। देखिए इस तरह हमारा 2 मिनट के लिए और पकने के लिए हम छोड़ दे रहे हैं। अब इसे हम ढक देंगे। देखिए दोस्तों कढ़ी हमारी तैयार हो गई है। अब इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल ले रहे हैं और इसे हम जा रहे हैं छौंक देने। चलिए दोस्तों अब इसके हम तड़का मार दे रहे हैं। इसमें हम डाल दे रहे हैं जीरा, ये डाल दे रहे हैं 2 लाल मिर्च, इसमें हम डाल दे रहे हैं लाल मिर्ची पाउडर, इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। देखिए अब इसे हम हमारा तड़का तैयार हो गया है। ये तड़का डाल दिया। देखिए देखिए ये कढ़ी तैयार हो गई है। इसे हम निकाल ले रहे हैं प्लेट से। देखिए देखिए कितनी अच्छी कढ़ी तैयार है। देखिए दोस्तों हमारी कढ़ी बनके रेडी हो गई है। अगर मेरी कढ़ी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए।